लो भैया, 5 साल के इंतजार के बाद हर गांव में राजनीतिक त्योहार आया है। आइए हम आपको ले चलते हैं इस गांव में जिसका नाम है पागलपुर। चलिए देखते हैं यहां का चुनावी माहौल। कहीं मैं इतना उठा गिरावा, मैं भी लड्डू मान लक्षण तू सोच रहे बैठ जा किसी तरह, कहीं वैसे ही समझ रखा। अरे मुझे क्या मतलब, कोई जीतता ना जीतता, मेरे पे तो कोट आना चाहिए भाई। क्या हाल है पप्पू चाचा? ठीक है। कहाँ जा रहे इतनी तेजी में? अरे पप्पी का फोन आया था। अच्छा, अरे मेरा पूरा मूड लक्षण लड़ने का है। तुम्हें खड़ा? हाँ। अच्छा ध्यान रखियो मेरा। हाँ, मैं तो पप्पी की मीटिंग में जा रहा। चले जाओ कहीं, लेकिन वोट मुझे ही दियो। तुझे भी देंगे भाई। ठीक है जी, अपने कोटे का भी तो देखना। तो बता तू भी इलेक्शन में खड़ा होगा? तो मैं ना हूँ क्या खड़ा? सारे नहीं हो रहे क्या खड़े? अरे रहने दे, बहुत पैसों का काम है, पैसा लगे इसमें। कोई खास पैसे का काम नहीं है माँ, तू दिक्कत ना मन, तुझे जो मैंने बताया ना, तू लोग गुणी हो जा और घर घर वर्करी कर तकड़े वाली। अरे मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन एक बात तो सुनो, एक ही खानदान से दो को खड़ा होना जरूरी है क्या? वो टीटला नहीं बैठ सकता क्या मुंडी टूटता? उसे टीटले को मने करो जाकर। चल मैं समझाऊंगा टीटले को भी। उसे समझाइयो और दिक्कत ना मान लो, खर्चा इतना नहीं आने। अच्छा भले हम गरीब हो, लेकिन ऐसी ट्रिक लगाई इलेक्शन में कि मैं जीत जाऊंगा। अरे बता तो दे इसके क्या है, पैसा तो लगे भाई। एडवर्टाइज करवाऊंगा मैं। अच्छा एडवर्टाइज तो हो जाएगा काम। बैनर लगवाऊंगा। किससे लगवाएगा? किससे? कुछ सहारनपुर का आए कुमार प्रिंटर, जेवी जैन डिग्री कॉलेज पर ही है उसका ऑफिस। तो भाई हुआ नहीं मालिक का तैयार? क्या होगा लास्ट है जी? लास्ट है ना, एक काम करो इन्हें पैक करवाओ फटाफट। ठीक है जी, तुम्हारा माल तैयार हो गया। अगले बिल्ले बिल्ले आओ, बिल्ले भी तैयार है फटाफट आओ। उन्हें भी लोग बढ़िया जी, ठीक है भाई। हाँ बढ़िया। प्रधान तू बनेगा बाबा या मैं? नहीं प्रधान तो तू ही बनेगा। तो फिर इस पे स्टूल पे बैठना। समझा ले सन्नी, बहुत मारूंगा टीटले को। बेटे टीटले तू बैठ जा। क्यों बैठ जा? मेरा नहीं जी करता का लोग मुझे प्रधान कहें। बस समझ गए बात को ना? समझता नहीं मैं। मैं फूट नहीं देगा इसे। तो गेरा नहीं कर, वो बैठ जाए, वो बैठ जाएगा, मैं तो खड़ा हूँगा। मैं क्यों बैठ जाऊंगा? इतने दिन तक मेहनत करता आ रहा मैं, बैठता नहीं मैं। बिना प्रधान बनो लोगों के काम आ रहा मैं। ये क्या कर रहे तुम? इधर आइयो। हाजी ये तुम्हारा काम है, आ जाओ पप्पू। भर बाल्टी। क्या कोटा नहीं चाहिए तुझे? कोटा नहीं चाहिए क्या? भर फिर से। चल चला, तुम ना घबराओ। अरे नलका तोड़ दे, आराम से चला लो। आराम से भाई, बस 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 थमारो थमारो। ये धुल गई तेरे घर की सारी गंदगी। बढ़िया साफ कर दियो जी सर। बढ़िया हो जाएगा पप्पू, जरा साफ कर। आ जा भाई, देख मेरी बात सुन। हाँ जी। इलेक्शन सर पे। हाँ जी। तेरे घर के 7 वोट हैं। हाँ जी। सातों के मोर कहाँ लगेगी? जहाँ भी तुम पप्पू प्रधान के चुनाव निशान पे। ठीक है, और हम तेरे लिए आधी रात को अगर तू फोन करे ना, फोन नहीं उठने का मतलब फोन उठेगा तेरा। घबराइयो ना। ठीक है बेटे, ठीक है जीत रहो। आ भाई पप्पू का जान लगी है। चला भाई काम हो गया। चल ठीक है, इस तरह घर घर जाना हमें। आ जाओ जल्दी आओ। प्रधान जी तो यहाँ भी लगा दिए। बस्ता ये तो बिल्कुल भूत लग रहा। अरे तुम चक्कर में ना पड़ो, वहां लगाओ ना यार। ये तो यहाँ भी लग रहा है, इसे मैं देख रहा, तुम लगाओ जल्दी। भाई क्या कर रहे हैं तुम? और ठीक है मेरे भाई? ठीक तो है, पर बैनर तो लगवायो। क्यों लगा रहे तुम बैनर? मैं लगने दे भाई, लगाओ भाई, लगाओ लगाओ बैनर तो लगा। अरे लगाओ भाई लगाओ, पप्पे प्रधान का। मैं लगाओ भाई, मेरे घर से मुझे हटा रहा। लग नहीं रहा हो पप्पे प्रधान का बैनर?
क्या बात होगी भाई, ऐसी क्या बात है, लगन नहीं दे रहा बैनर। भाई बिक गए हम। बिक गए? और कितने का बिका? 500 रुपए दिए पूरे। मैं थोड़े दिन रुकता ना, 2500 का जाता। चल बग्गा लगाऊंगे। जी करना क्या, देखो 4 आदमी इलेक्शन लड़ रहे। भाई वो टीटला भी, हाँ वो करेला सा, करेला सा वो 420 भी, दोनों एक ही खानदान के हैं, आपस में वोट कटवा देंगे। बैठ चर्चासी चल रही है भाई, वो इलेक्शन के बारे में बात हो रही, प्रधानी इलेक्शन चल रहे, वो चार चार खड़े, वो बबलू भी और वो पप्पी खड़ा एक। बताओ, मेरा कहना यह है कि खड़ा सबको अधिकार है खड़े हो, मगर अगर विकास करना है तो सोच समझ के अपना वोट डालना। चाचा मेरी बात सुन, हम तो वोट उसको देंगे जो हमें पैसे देगा। अरे नहीं बाबू, ईमानदारी इंसानियत भी कोई चीज है भाई। चाचा हमारे बहुत ईमानदार आदमी, समझे नहीं? और यार कहीं सारे आदमी थोड़े ऐसे हो, इसीलिए हमारा कहना यह है जिसको देना वोट सोच समझ के देना, भी तो दूर है, जो आ रहा सबको कह दो हाँ भाई आप ही को देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार, ठीक हो भाइयों ध्यान रखियो। थारा छोटा भाई इलेक्शन में खड़ा जी, हमें पता ही था मैं जी, और चुनाव चिन्ह का भी पता था मैं, बिल्कुल सही बात। तो भाई सपोर्ट करो, गांव का नक्शा बदल दूंगा, बहुत काम करवाऊंगा। पहले प्रधान ने क्या करवाया? कुछ नहीं करवाया ना, गाँव सड़ा पड़ा सारा। मुझे पता है, सारा पता है, लेकिन मैं इसीलिए खड़ा हुआ, अपने लिए नहीं खड़ा हुआ, थारे लिए खड़ा हुआ। हमें उम्मीद है आपसे, ये जिन जिन भाइयों के घर बने हुए मैं भी तुड़वा दूंगा। तुड़वा दोगे? मेरा मतलब है जिनके घर नहीं बने हुए मैं भी बनवा दूंगा। हाँ ये बात है, बिल्कुल एक बार सपोर्ट तो करो, हम थारी दिलो जानते साथ है जी। बस ये दिन है मोहर लगने तक के, ये दिन दे दो मुझे, इन दिनों में मेरा पूरा साथ दो, उसके बाद तो ढूंढते फिरोगे। ढूंढते फिरेंगे मजदूरों को, हम मजदूर खुद बनेंगे। 420 ना जी, चोट तो आई नहीं, बस मारी तलवार का ध्यान रखियो। अजी चोट चाट कुछ नहीं लगी, देखा बाबूजी ध्यान रखियो हमारा। पीछे तो बहुत लग गया, कुछ भी लगा दियो। हाँ सारे में लगाने, गांव के सारे वालों पे लगा दियो, यहाँ भी लगाओ, जो यहाँ लगाओगे हमारे तो पहले तुम भी लगाओ। अरे इससे ऊपर लगाओगे? पकड़ ऊपर क्यों, ऊपर क्यों, अगर इससे नीचे लगा दिया प्रधानी में, इससे नीचे रह जागे तो फिर ऊपर लगाओ जल्दी। आदमी सोन पापड़ी समझ में नहीं आता, क्या बात सफेद रंगी करवा लिया, कहाँ तू दीख तो रानी कहाँ को जो है तो ये तू ही। हाँ क्या बात, कुट्टी में बैठ के खिंचवा फोटो। अरे ऐसा वहाँ लगा ले, लगा दे भाई, तो ऊपर लगाओगे पकड़ से। हाँ। कर लगो, क्या बात सलामी बताओ, सलामी छोड़ यहाँ क्या कर रहे हो, बैनर लगा रहे, क्या कबाड़ उठा कर लिया, क्या है बैनर उठाओ यहाँ ऐसे लगाओ बंदर, ये देख इसमें क्या दूसरा बंदर है, क्या यो क्या तुम कबाड़ लिया है, देख दिख नहीं रहा क्या है, मुझे दिख रहा है इसमें क्या है, कबाड़ है ठाक लिखो लगता है, मकान से डोगे पैसे ले ले, मैं पैसे पूछने ले रहे, चलो भाई लिखो लिखो लगता है, रात तो बचूंगा पेट में बता रहा ना लगो। फिर एक बात तो देख, टाइम तो देखने क्या हो रहा, अरे मैं तो वर्क कर रहा था, मैं तो मही धो दिया 2:30 बजे रात को, और क्या करता वर्कर तो कभी भी ऐसा है, बन गया था तेरा प्रधान, फिर तो मैं धोए दिया। चलो भाई ये तो प्रधान है, इनका चल गया। तो भाई पिछले 2 घंटे से आप लोगों के सामने जो मैं बात कर रहा ना, सारी सच कर रहा, 25 दिन से लगा पड़ा मेहनत में,
तो देखो भाइयों थोड़ा ध्यान रखो मेरा, मुझे इलेक्शन में जिताओ। हरा अगर मैं इलेक्शन में जीत गया थारे गांव में पुल बनवा दूंगा, पुल। हाँ भाई प्रधान जी। हाँ जी। नदी तो है नहीं, पुल का क्या करेंगे हम? तो कोई बात नहीं मेरे भाई, पहले नदी बनवा दूंगा भाई। बिल्ले बाट यार बाहर काट लो। अरे वो प्रधान खड़ा नहीं 420, उसे बुलवा लो जल्दी से। मलारा बुला के आ जाओ प्रधान जी। क्या हो गया भाई? एक काम कर आइए भाई। अरे हमने तो बहुत जोर लगाया। नीचे से पैर हटा, पैर हटा। बहुत कड़वाए पर कर दे। ए, 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 चल 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 ए नीचे से ए बस 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 प्रधान जी आगे सही वक्त पे इनकी जान बच गई। अरे यार उसकी प्रधान की ऐसी तैसी यार, कक्षी लैटरीन ना, हमारा भाई तो गया था लैटरीन में। कह रहे पहले प्रधान ने सारा काम खराब करके रख रखा। कुछ करवाया हमने? कुछ नहीं करवाया आज। अरे भाई इनके पुराने प्रधानों के चक्कर में ना लगो तुम। मैं खड़ा आई गए, तुम मुझे सपोर्ट करो ना, मैं पूरे गांव का विकास करवा दूंगा। 420 भाई हम तेरी साथ है, फिर करवा दी विकास। ये जो थारी लैटरीन के रास्ते छोटे हो रहे ना, अगर एक बार प्रधान बन गया ना मैं, ना थारे लैटरीन के रास्ते चौड़े करवा दिए। 420 जिंदाबाद। चलिए क्या बात होगी, अजीब बात भी होगी कुछ। अरे पहले बताओ अपने घर ले जाओ। क्यों हमारे बच्चे डर रहे? बस आप लोगों का प्यार सही हो चाहिए। बहुत बढ़िया इस बार जितने बड़े सबकी मैंने सबकी सुन ली। बहुत बढ़िया करके पड़ता हूँ भाई। बापा सेन पार्टी में चला आया खाना में। एक ही आदमी का था यार, घर में चूल्हा चलवा बड़ा। ये तो मैं चुपचाप लाया बुरखा ओढ़। वो पप्पू चाचा खड़ा है वहाँ मुंह पर। अच्छा बताइए ना। ना बताने बेटे मैं तो इतना कहूँ देख मेरी झोली में डाल दे प्रधान ने। अरे माँ मतलब अरे चाची जी तू कह रही है ना। हाँ। तो मैं बैठ जाऊंगा लेकिन तो मेरे बैनर बुनर भी छप के खर्चा हो जावा मेरा। भाई खर्चा तेरा प्रधान बैठ तो ही मैं दूंगा। ठीक हाँ। है फिर। अरे जीता रहो बेटे, आए जीता रहो बेटे। मैंने कहा नहीं था मेरी बात रखेगा मेरा लाल चल रहा। देख मैंने कहा नहीं था मैं जाऊंगा। हाँ है तो हमारी औलाद। प्रधान जी के चुनाव है। अच्छा जी। बप्पी के घर में मीटिंग है आज। अच्छा जी। बापू को भेज दिए कहाँ गया? ठीक है जी मैं सहारनपुर गए जी। ठीक है और लड्डू भी बटेंगे आज? हाँ जी ठीक। भेज दिए? भेज दूंगा जी। आवाज मार। हाँ भाई। कौन है भाई? आज वहाँ भाई मीटिंग है 420 के, वहाँ आ जाइए। अरे भाई वहाँ खाने खुड़ने को तो कुछ मिलता नहीं। खाने को उस्ताद वो तो तुझे घर में भी नहीं मिल रहा होगा। एक से एक हिसाब आ रहा वहाँ, गोल को चूल्हे पुचूले। अब आ रहा? हाँ आ रहा बस एकदम। अरे भाई भी आग मार के देख ला। 420 का आदमी हूँ। अरे भले आदमी, आदमी का दिमाग बदलते पर बल लगा है क्या? एक बार सभी आग मार के देख लूं। क्या बात है भाई? अरे बबलू प्रधान के वहाँ से मीटिंग है आज ये। अरे हम किसी बबलू बबलू प्रधान की मीटिंग में नहीं जाते, हमारा प्रधान तो है 420। अरे नाच रंग है। नाच रंग? हाँ भाई फिर तो जरूर आऊंगा मैं। अच्छा भाई हाँ जरूर।
लो भाई प्रधान के उस पे खड़ा है। सभी बार प्यार से मुझे सपोर्ट कीजिए। भाई मेरा चुनाव चिन्ह है बहुत सब। अगर आप लोगों ने मेरे वोट नहीं दी मैं अंतर हालत में जाकर एंजॉय के लिए मुझे राशन वाली तक बुलाया थी। और ये तो कुछ भी नहीं भाइयों, एक बार प्रधान बन गया तो 24 घंटे इस गांव में प्रोग्राम रहेगा। और भाई को सभी प्यार से वोट डालिए। बदमल कहने का ये है पप्पू, सब जगह बोल गया तू ना आज। हाँ जी सब जगह, बिल्कुल सब जगह कह दिया। भाई ढूंढे सारे भाई जी, वहाँ गए बबलू। यहाँ बबलू का क्या हो रहा? बबलू ने नचनिया बुला रखी है आज, सारे का सारा गांव वही गया। चेक करो अच्छे। हाँ बबलू भाई को जिताना, मेरे भाई सुन लो, मेरे भाई सुन लो, रे मोहर बकर पे लगाना, मेरे भाई सुन लो, मेरे भाई। चिंता छोड़ दे तू, ये तो पहले ही कह दिया था तुमने। मैं उसको वापस ले आऊंगा, पैसे के आगे भूत नाचे। अजी भूत के आगे पैसा नाच रहा आजकल? भूत के आगे पैसा नाच रहा? बस दिमाग सही है तेरा, बैठो रहो। तुम दिक्कत क्यों ले रहे? तुम तो जीतते पड़े। जीतते पड़े बस तेरे मुंह में घी सक्कर लमड़े। ले पकड़ रख जेब में। चिंता ना मानी है बिल्कुल। देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पे, खाली पड़ा है आंगन। कल यहाँ कितनी भीड़ थी बताओ, और आज एक भी नहीं है। अजी प्रधान जी तो वो सारे भाग गए ना। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी तलवार की धार खुंडली नहीं होने देना, कसम खुदा की। एक एक वोट तुम्हें जाएगा, पूरे गांव का वोट तुम्हें जाएगा। बाप पप्पू कोटा भी पक्का तेरा? कोटा ही चाहिए देखो मुझे बस। बेफिक्र हो जा तू, पूरे गांव से बुराई ले ली मैंने। देख अब मेरी बात सुनो, देखो भाई वोट मुझे पूरे गांव के चाहिए। पैसा पानी की तरह बहा दिया मैंने और बहाऊंगा, समझ गए? सब काम पे लग जाओ। मेरे भाई सुन लो, राजा चाताऊ सुन लो, मेरे भाई सुन लो, जीतेगा भाई जीतेगा, बबलो भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बोतल वाला जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, बबलो भाई जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, बोतल वाला जीतेगा। एक काम कर ले, अपने खतरे बचा लेगा दो बोतल। अरे 5 साल तो हम पियोंगे नहीं क्या? इलेक्शन में जोर लगाया तो लगा रखा। अरे टेंशन ना ले, मैं तो इसका मार कर दूंगा। फ्री बाट में बैठे हैं यहाँ से। अरे भाई बाल बैठ का आया, पेटी बच रही। अच्छा खाली है दिक्कत? खाली भाई सा खाली आया। जल्दी 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 बाटिन भाई होता है। मैं बैठ गया आराम देखो। और मेरी बात सुनो भाई, बोतल पर बोतल मिलेगी और 5 साल का मिला काम, और 420 तो उठने दे दियो बबलू नगर जा बदनाम। मेरी गेल हो सब भाई, दिक्कत नहीं मानो। चलो भाई, और भाई ध्यान रखियो बिल्कुल, जोर लगा दो कल्ला वोट पड़ने। ओ कैसा चल रहा माहौल भाई? ठीक है खुआ भाई, खुआ सबको, खुआ था बाग। डबल डबल भी ले लियो। देखो भाई भकावे में तो आना नहीं है किसी के भी। सही कह रहे हैं जी, हम तो थर्ड साथ है जी। और वो पप्पी प्रधान जो है नहीं, उसके साथ तो दलिया चमचे फिर वे बिल्कुल होशियार होगा करना काम। हाँ मटर देख कितनी बढ़िया जीतता है, बढ़िया वाली। अजी बस मेरा तो यही मानना, अगर सभी भाइयों का प्यार ऐसे मिलता रहा ना तो भाई जीत तो पक्की। अब्बा जी पक्का जीत रहे। आदमी ऐसे थारे साथ पूरा उम्मीद रखो इन पर जीतता है इंसान। बिल्कुल नहीं, या तो बिल्कुल एक का आदमी को देख लो एक। तो खड़ा हुई है भाई, तो पप्पी का आदमी दिए मटर भागा नहीं, हराम का आ रहा कटवा दो इन्हें। तेरे चक्कर में मलपा वो आ जाएगा। मैंने समझाया ऐसे मगा भाई, अचार संहिता वैसे लग रही है, बबलू भाई का नाम बर्बाद हो जाएगा। नमस्ते भाइयों। ओ नमस्ते, आ जाओ भाई बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा अच्छा आप भाई आ जाओ। ठीक है बबलू, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, बैठ लो भाई, तकड़ी ला रहा है मेरी। अजी और ठीक है सब? कहा बढ़िया, और बढ़िया हो सब? मैं कार्य तो बढ़िया बना रखा कार्यालय तूने, तो कार्यालय कम ठेका ज्यादा लग रहा, बदबू कितने आ रही सर आपकी भाई, ये हरकतें छोड़ दे यार बबलू। अरे पप्पी भाई मेरी बात सुन, इस दारू का इलेक्शन जीता जाएगा। हाँ। दो तीन इलेक्शन जीते तक भैंस बांध वाले लोगों ने आखी। दिन पर दिन पूछा कितने वोट बढ़ रहे हैं बताओ भाई। 4,000-5,000 रोज बढ़ा है मेरे। हमारे पूरे मोहल्ले में पेटिया की पेटिया चल रही भाई साहब। भाई एक बात बताऊं, लोग चारों तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा कि पप्पी प्रधान की टक्कर में सारे पड़ रहे चक्कर में। बिल्कुल
क्यों टिटल है और इसे जाने ये तो 420 का आदमी खानदान की लड़ाई है 420 को तो मुझे अंदर खानी हरवाना बम मुझे भी हराना है वो और जीतूंगा तो मैं ही अरे सारे खुंदक खामे उससे सही कहा है इनता पूछ लक्षण में कितना खर्चा आ गया खर्चा बहुत मोटा अब बबड़ू मत बड़ कहने का यो है तेरे पास हम यूं आए कि बस अब तू सब काम को छोड़ दे गिले सिकवे तोड़ दे और क्या क्या भाई उसे वो मट्टी डाल पुरानी बातों पे ए बताऊं यूनि काम चलने का यूनि भाई काम चलने का बिल्कुल भी पीछे लगा रखे हमने भाई लहर है मेरी पूरे काम पे मेरी बात तो सुन मेरी चुप कर जा भाई कतई नहीं चलना काम 2 लाख रुपए लग रहे पप्पी भाई कतई नहीं चलना काम है देख पिक्चर आ दिन भाई बैठे जा कर दिन रात एक कर रखा है एक कर थोड़े ही चल जाएगा एक कर बैठ जाएंगे क्या भाई बैठा नहीं जाएगा बिल्कुल भी ले पकड़ और बता दूं सेवा कितने आए ये 4 लाख है अरे हमें क्या जरूरत है लेने की ओट अर्जी पप्पी पर ध्यान देने का मरता है 4 लाख के नोट भीतर करी ना देख कल हमने ने क्या बात कही सही बात भाई समर्थन दे दूंगा पर ओट नहीं देने का चाचा क्या बात है भाई ओट गिरने का नहीं देने का काम में इज्जत है मेरी और तू भी नहीं देना का तू भी नहीं देना थारे आदमी तो देंगे जो ही चाहिए तुम घर बैठी हो लेकिन थारे जितने भी वोट है सारे पप्पी प्रधान की तलवार पे लगने चाहिए ठीक है नहीं बात तो ठीक है पप्पी भाई पर काम ने पता नहीं लग जाए अब बबलू प्रधान ने पैसे ले रखे हाँ जी मेरा तो बिल्कुल पता ही नहीं लग जाए किसी को और हम तेरे साथ है कानो कान किसी को खबर नहीं होने की भाई जबान कटवा लूंगा किसको जो पता भी हो जाए फिर बबलू प्रधान तुझे समर्थन कर रहा इब्राहिम 420 और बात सुन लो बबलू वो जो नचनिया बुलाई थी ना तूने दोबारा बुला लियो जब जीतूंगा अरे तो सारे इकट्ठे रहेंगे भाई आजा मेरा भाई हो लो भैया पैसे ने तो गेम ही पलट दिया अब बचे हैं सिर्फ 2 प्रत्याशी और चुनाव की आखिरी रात अरे अपनी लगा लो मैं तो अपनी लगा लो देख भाई पप्पू चाचा इधर के तो सारे घर गए नहीं मत अब मुझे बताओ कौन कौन से घर है एक बात सुन एक घर तो है सामने ठीक दिखने वाला बुंदू का ठीक और एक आगे घर है सतीश का चला इन दोनों को भी निमटा में अरे चलो मैं तो काम करना अपना चला सारा कंट्रोल में पूरा गांव सही चल रहा बहुत बस बस में समझो हाँ उसका आदमी तो जरूर ही दिखा बाल चाचा पप्पू और उस अनुवाज पप्पी का दोनों दोनों पैसे ले रखे थे हाथ में यहाँ बड़ा ही बाल इंग गए और ही बाल इंग गए हों मुझे मुझे पता एक ही जगह मुझे सक एक मिनट चलती हो तो और क्या हाल है बहु पप्पी के आदमी फिर रहे भंगचू वाली गली में अच्छा? पहरा दे ना चल मैं तो दे रहा पहरा भाई तो तेरा ही घर है बता दे रहा पहरा हाँ? अपने ही घर पर पहरा दे रहा इन्हें अपने पर भी यकीन नहीं है भाई वहां चल रहे भंगचू वाली गली में कहा तो तुझे यो ही हो सके हो जाली में तो इंगा जाली मतबल कहने का दोनों थे हाँ चला पप्पू चाचा ओ फटा फटा जाओ इस घर के 6 वोट हैं 600 दे दिए मैंने ठीक करो तूने देख लिया पूरा गांव सेफ है और ध्यान से काम करना वो भी फिर रहे हैं यहाँ से हाँ ठीक कल को सालों की औकात पता लग जाएगी जमाना जब्त तो होगी उसकी चुनाव 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 चुनाव
घर देना देना संदेशा घर घर। ये दो लेडीज की हैं, ऐसा अगर गांव में से भेज दे किसी को और ये फटाफट डलवा दिए दोनों वोट भी। दो लोन डला रहा मैं, एक काम कर रहा और दो बुरखे उन पर डलवा दे, चाहे किसी तरह डलवा बुरखे मन जा। हाँ देख चुनाव चुनाव देख चुनाव चुनाव देख चुनाव चुनाव देख चुनाव आया है। जब मोड़ लगाएगा ना यहाँ किसान पे, इसे यूं ना मोड़ दिए, इसे ना यूं मोड़ना ये यूं, क्योंकि अगर तूने इसे यूं कर दिया ना तो इसकी मोहर इस पे चली जाएगी। इसे यूं मोड़ के यूं ए यूं और ऐसे करके बस उस डिब्बे में यूं डाल दिए, समझ गया? जा बेफिक्र होके आचार संहिता का पालन सबको ही दिल से कराना है, सोशल डिस्टेंस रखना है और मुंह पर मास्क लगाना है। कैसे वेट बचा रखे आसी, मजमा लग रहा है आसी। नमस्ते जी। अकेले हो आप जी? ठीक चल रहा? हाँ जी बहुत बढ़िया चल रहा। कितनी वोट पड़ गई? पड़ गई जी 250। महिलाओं की कितनी पड़ी? महिलाओं की पड़ गई 50। कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं बाबूजी कोई गड़बड़। विपक्ष वाला तो नहीं गड़बड़ करा कोई? नहीं जी बिल्कुल नहीं। एक तो फर्जी वोट ना डल जा और कोई जबरदस्ती ना करे। नहीं जी बाबूजी ऐसा नहीं हो रहा बिल्कुल। अगर कोई ऐसा करेगा तो मुझे तुरंत बताना। ठीक है जी। हाँ ऐसे मजाक में लेना, थोड़ा सीरियस रहना आप। नोट करो आप। क्या है तू तो दोबारा आ गया? दोबारा कहाँ? अभी तो डाल के गया तू वोट। अरे पहली बार आया। पहली बार हाथ दिखा अपने। देखो चल जा। फालतू ना बोलिए, समझो नहीं तेरा थोपड़ा बदल दूंगा बीच में। नमस्ते नमस्ते सर जी, अभी नहीं आया मैं आपके सामने। ये मेरे सामने गेट शांति बनाओ यार, शांति रखो। मेरे को सर
तेरे पे क्या सही है? अजय चोर है, चोर 420 देखो तुम्हारी बंदूक उठा ली। ये बंदूक दिखा रहा था मुझे, फेर तो ठाता ही मैं। तो मेरी बंदूक निकालेगा तू? चल तुझे अंदर करो, चलो तू भी चलो। अजय इसको तोड़ ले, अरे नहीं, अरे आप पप्पू देखेंगे ना। अजय 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 उन्हें जान दो। कहाँ जा रहा बिच्छू? तो जाओ ना, 7:30 बज चुके पता है जी। कभी किसी गांव में इस टाइम वोट नहीं पड़ते हैं जी। चलो जल्दी जल्दी करो, तो ऐसा हो गया नहीं तो हम सब आ गए थे सबसे पहले। चलो फटाफट डालो निकलो। लो भैया, वोटिंग तो हो गई पूरी, अब है तो सिर्फ रिजल्ट का इंतजार। हर प्रत्याशी की यही जबान, हे भगवान बना दे प्रधान। ब्लॉक टिंडीपुर के ग्राम पंचायत आगे चल रही, ग्राम पंचायत बावलाखेड़ा से श्रीमती अनवरी 62 वोटों से जीत चुकी। 200 अबे लेड नहीं लेड बढ़त बनाई, मिठाई का इंतजाम करवा ले। प्रधान प्रत्याशी पप्पी प्रधान 200 वोटों से आगे, मुल्लनगराजपुर से शौकीन 300 वोटों से आगे चल रहे। ग्राम पंचायत कोटा से ममता 61 वोटों से आगे, ग्राम पंचायत बावलाखेड़ा से श्रीमती अनवरी 62 से आगे चल रहे। बात जीतेंगे। ग्राम पंचायत पागलपुर अंजना मोहल्ला के इब्राहिम 420 पप्पी प्रधान को पछाड़ते हुए 50 वोटों से बढ़त बना चुके हैं। ग्राम पंचायत जयरामपुर से नफीस मलिक बनाने के बाद नहीं, 33 आपके जो पेड़ा बोलेंगे ना उसमें सारा वोट मार ही है। ग्राम पंचायत सरूरपुर गाड़ा से प्रधान पद हेतु जावेद 101 वोटों से आगे चल रहे हैं। ध्यान दें, ग्राम पंचायत पागलपुर से प्रधान पद के प्रत्याशी अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं। जिनका नाम है इब्राहिम 420। तू यहाँ कहाँ तो आ गया, उस रतवाले को पैसे दे के चलता करना। अब कैसे पैसे, अब तो जीत गए हम। अभी कहाँ बने प्रधान, अभी तो ली भी नहीं शपथ। मिल गई शपथ। पानी पी लो। पानी सारा खराब हुआ पड़ा। बोरिंग चल जाएगा, आ जाएगी लाइट। बोरिंग कहाँ चल जाएगा, कहाँ आ जाएगी लाइट? वब्बा लाइट का बहुत बुरा हिसाब बन रहा। लाइट का कोई सब तो पहले लाइट का हिसाब बनवाऊंगा यहाँ। अरे मुंडी टूटे तेरे पे आजा गजब नेस्ती मारे, सारे दिन पढ़ाई रहा करेगा है? अरे कैसे कैसे सपने देख रहा, कौन से सपने देख रहा तू? फेर दिया पानी कहे पे, मेरी प्रधानी पे। What? What?